किसी भी शुभ मुहूर्त में बैंड बाजा, सहनाई वादक और ढोल ताशा व्यवसाय से जुड़े लोग खुशियों को बढ़ाने के लिए एक जरूरी अंग सा बनते रहे हैं। सही मायने में ये लोग बेहतरीन कलाकार होते हैं। साजिंदों का जादू ऐसा कि बारात झूम उठे, लेकिन इन्हें क्या पता कि कोरोना संक्रमण के चलते इनकी जिंदगी बेपटरी हो जाएगी। जब से हम लोग के काम अभी तक 55 वो काम मेरा है और एक भी काम नहीं हुआ है, सब भी काम मेरा कैंसिल हुआ, सबको डेट आगे बढ़ा है। और जो भी अभी नवंबर दिसंबर में जा रहा है, देखा जाए कि फिर नवंबर दिसंबर के क्या हाल होगा। और इससे हम लोग के अभी कोई मरवत नहीं है और कोई फायदा भी नहीं है, हम लोग के घर से घाटा है, घर से भी खा रहे हैं, जानवर के भी खिला रहे हैं, स्टाफ को भी खिला रहे हैं, समझे, गोदाम के भी किराया हम लोग के लग रहा है, लेकिन हम लोग का भी कोई आमदनी है नहीं। सरकार ने अभी खोलने का आदेश दिया, शादियों का आदेश दिलवाया है, तो उसमें जब 50 लोग आ रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है, हो या ना हो इससे अच्छा? नहीं, आदेश तो हुआ है, लेकिन अभी तो अलाउ हम लोग के नहीं हुआ है कि अभी जैसे बैंड और लाइट बारात लगेगा। पहले था कि 50 आदमी से भी अलाउ दिया है, लेकिन हम लोग का भी कोई अलाउ नहीं हुआ है। पिछले लगन के बाद तो मानो इनके जीवन में कोरोना ने भूचाल ला दिया है। आज आर्थिक पक्ष पर सहायता की जरूरत से शायद ये लोग संभल जाए। नियमित रियाज कर पसंदीदा फिल्मी धुन बजाने में माहिर ये उस्ताद अब उम्र के इस पड़ाव पर करे तो क्या करे। बहरहाल जब तक सांस तब तक आस के साथ जीवन का गम सहते हुए भी इन्हें धुन बजाकर जिंदा रहना भी है।